हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी बढ़िया हूँ। और बहुत दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ ना, अगस्त मेरा इतना बिजी गया ना कि बिल्कुल मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं ब्लॉगिंग करूँ। पहले मेरी सासू माँ आई थी, उसके बाद वो गई, फिर उसके बाद कू की बुआ दादी और उनकी बेटी आई हुई थी। तो मतलब मेरा पूरा दिन रात कैसे चला गया पता ही नहीं चला। बीच में पूजा भी रखा था मैंने, फिर उन लोगों को द्वारका सोमनाथ सब घुमाते सुबह शाम, कैसे गया सच बताऊँ मुझे नहीं पता। तो उसके बाद वो लोग गए तो फिर मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी। तो फिर होता ना, जब मन अच्छा नहीं होता तो कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो अब जाके मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, तो सोचा चलो अब भाई बहुत हो गया, चलो अब स्टार्ट कर दो अपना ब्लॉगिंग वगैरह। तो अभी मैं आटा गूंथी हूँ, इसमें रखा है, और मैं बनाऊँगी बैंगन की सब्जी। और अभी बज रहे 1:30, कुहू का भी आने का टाइम हो गया है। तो आज खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं धो रही थी कपड़े, कपड़े धोने में टाइम हो गया। तो मैंने सोचा कि अब खाना, तो कपड़े धोने में टाइम लग गया, तो फिर मैं सोची कि अभी वो आएगी तो उसको खाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो फिलहाल मैं सोची अनार छील देती हूँ, तब तक वो ये खाएगी। जब तक ये खाती रहेगी तब तक मैं फटाक से खाना बना लूँगी। तो फिर चलो छीलती हूँ अनार, ऐसे अनार। इसको जितना छीलने में टाइम लगता है ना, खाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। अंधेरा आ रहा है ना, अब ठीक है। किसने दिया? मैंने। अरे उसको छोड़ो बेटा, वो कल वाला ही है। ये मैंने दो पार्सल मंगाया है मिंत्रा से, एक में ज्वेलरी है और एक में पर्स है। अभी डाउट, ए बेटा नहीं, अभी डाउट में हूँ कि इसको रखना है कि रिटर्न करना है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। अभी फीवर नाप रही है अपने से, तो मैं उसको बता रही थी कि जब लो लिखा रहता है तब करते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ मोदक बनाने, तो जिसके लिए मुझे चाहिए चावल के आटा, और यहाँ पे मैंने नारियल ग्रेट कर लिया है। इसको गुड़ में डाल के अच्छे से भूनूंगी, उसके बाद डोंट टच बेटा, देखो इसको, फिर उसको कोकोनट और गुड़ डाल के उसको अच्छे से उसको मतलब भूनना है, उसके बाद चावल के आटा को। खैर मैं रेसिपी दिखाती हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, बहुत दिन से सोच रही थी। तो अभी गणपति भी चल रहा था, कल विसर्जन हो जाएगा, तो मैंने सोचा आज बना देती हूँ। कू को 2-3 दिन से फीवर आ रहा है, पता नहीं क्यों, चढ़ रहा है उतर रहा है। दवा ले के आई हूँ, आज फिर जाना है। आज मैंने सोचा पहले नाप लूँ। फिर कहाँ जा रहे हो आप? अंदर आओ, अंदर चलो। सो ये कच्चा नारियल मैंने ग्रेट कर लिया है, और इधर है चावल का आटा। तो अब इसको हमें जैसे गर्म पानी में उसको वो करना है, तो अभी मैं दिखाती हूँ कि कैसे। कढ़ाई रखा और इसमें डालूंगी पानी, उतना पानी डालना है जितना ये मेरा आटा है, उसके अकॉर्डिंग इसमें हमें पानी डालना है, और थोड़ा सा दूध। बॉयल हो गए हैं तो इसमें मैं डालूंगी ये, और उधर आवाज आ रही कुओं में दादी से बात कर रही है।
अभी एक डो टाइप का तैयार हो गया, अब इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। और अब बनाऊंगी नारियल का, वो जो फिलिंग वाले होते हैं वो बनाऊंगी। क्या कूट रहा? इलायची कुटा रहा है? हाँ। अब फिलिंग के लिए कोकोनट रेडी करेंगे, जिसके लिए पहले हम रखेंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। सो ये रही घी, अभी कढ़ाई सूख जाए, अभी गीला है। और ये है गुड़ और इलायची इधर कूट रही है कुहू, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। घी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि नारियल तेल होता है ना, तो बस एक फ्लेवर के लिए थोड़ा सा। तो अच्छे से क्या करना है, रोस्ट करना है, मतलब भूनना है। हो गया? वेरी गुड। This is good। और इसमें डाल दो, अब इसमें गुड़ डाल दिया, अब इसको अच्छे से चलाना है। इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बहुत मस्त आ रही है। तो ये मेरा रेडी हो गया, मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाला है, बट मैं वीडियो में ना वो ऑन करना भूल गई, तो इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, आपके पास जो भी हो वो डाल सकते हैं। तो ये मेरा रेडी हो गया है, अब मैं गैस करूँगी बंद। और ये मैंने जो डो तैयार किया है इसको अच्छे से गूथना है, मतलब एक ऐसे मलना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब बारी आई है फिलिंग की। ये कोकोनट का फिलिंग तैयार हो गया, ये डो तैयार हो गया, और इसका एक ढांचा भी आता है, लेकिन वो मेरे पास है नहीं, तो मैं कोशिश करूंगी हाथ से ही बनाने का। और कुहू मेरी हेल्प करेंगी। यस, कुहू मेरी हेल्प करेगी। चलो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेट्स सी कैसा बनता है। खुशबू से तो लग रहा है बहुत टेस्टी बनने वाला है, बस फिलिंग का वो जो पर्टिकुलर शेप होता है ना ऐसे गोला सा, वो मे भी थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट तो कोशिश करते हैं। थोड़ा सा लेना है, थोड़ा सा एक एक कोई कोई ना थोड़ा सा रफ है, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा था हाथ से बनाने में। तो अब ये बन गया, अब इसको मैं इसमें स्टीम करूंगी। कौन है वो, कौन है
बदले कथाएं दागी मत तेरी तरफ से मुझे चले देख जरा दा 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 क्या गाना गाते हो बेटा तो ओ थोड़ा सा बचा इधर ही कहीं एडजस्ट कर देती हूँ मैं एडजस्ट कर देती हूँ दा 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 अबे पक रहा है तब तक मैं चावल बना लेती हूँ सब्जी बना हुआ है चावल बना मेरा मोदक फाइनली बनकर रेडी हो गया है और मैं कुकू को दे रही हूँ टेस्ट करने के लिए बस एक खा के बताना कैसा बना है ओके ओके आपको भी टेस्ट करना जरूर कर सकते हैं अगर कैसा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें जरूर हाँ तो खा के देखिए कैसा लगा अच्छा हाँ तोड़ो उसको दो टुकड़े में करो ये बस तो देखिए गाइस वाओ अब खा लो अरे पहले खा तो लो पहले ही अच्छा लगने लगा आपको खैर आधा खा चुकी है आधा बचा हुआ है इसको बहुत अच्छा लगा और चाहिए हाँ कितना एक चाहिए ठीक है ये फिनिश कर लो फिर एक और देती हूँ ओके